मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि के संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि फसल क्षति सर्वे में लापरवाही ना हो, पूरी ईमानदारी से सर्वे किया जाए और किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करे। रेवेन्यू, कृषि और पंचायत विकास के अमले को सर्वे में एक साथ शामिल करे। सर्वे पूरा होने के बाद सूची को पंचायत के दफ्तर में लगा दिया जाए। सर्वे होने के बाद किसी किसान की आपत्ति आती है तो उसका भी निराकरण किया जाए। सर्वे में कोई भी लापरवाही ना हो, ईमानदारी से सर्वे हो और हम लोगों ने कोई सर्वे में गलती ना हो या गलती ना की जाए, इसलिए हमने तय किया कि रेवेन्यू के साथ साथ कृषि और पंचायत विभाग तीन का अमला साथ कर ले, पंचनामा बना ले, प्रभावित किसानों की सूची फिर पंचायत भवन या उपयुक्त स्थान पर गांव में लगा दें। किसी किसान को आपत्ति है, अगर कोई उसको लगता है कि उसका नुकसान हुआ है, नहीं दिखा में आई है और कोई आपत्ति है तो वो भी आपत्ति आ जाए, तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पूरी संवेदना के साथ, क्योंकि संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं और उसको राहत की राशि भी देंगे और राहत की राशि के अलावा हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, अब तो हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम पूरा फसल बीमा योजना का लाभ भी देते हैं कहाँ नुकसान हुआ है, तो समानांतर इसी के साथ ये कार्रवाई भी चलती रहे कि फसल बीमा योजना का लाभ प्रभावित किसानों को हम ठीक ढंग से दिलवा पाए। तो दोनों तरह की चीज़ें हमारी हो जाएगी, एक RBC 6-4 के अंतर्गत जो हमको सहायता देनी है नुकसान की, और नुकसान में हम लोगों ने अभी अभी फसलों के नुकसान के अलावा अगर खेतों में और कोई नुकसान होता है, पशु हानि होती है, तो राशि पर्याप्त बढ़ाई है। हमने गाय बैल भैंस, भगवान ना करे ज़्यादा क्षति, या भेड़ बकरी या अन्य पशु, उनका भी अगर नुकसान होता है, क्योंकि एक जगह से शायद भेड़ों के मरने की खबर है, तो उनमें भी हमने राशि बढ़ाई है काफ़ी, तो बढ़ी हुई राशि के अंतर्गत भी किसानों को हम राहत देंगे। ये दोनों काम RBC 6-4 के अंतर्गत तात्कालिक सहायता राहत की राशि प्लस जल्दी से जल्दी हम कैसे फसल बीमा योजना का क्लेम करके और किसान को राशि देना पाए, ईमानदारी से हो, कोई छूटे ना, और इस भाव से हो कि नुकसान हुआ तो हमको राशि दे। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।